हेलो फ्रेंड्स, दिस इज क्लैरिसा फ्रॉम क्लैरिसास क्रिएशन। आज हम फिर से आपके साथ न्यू रेसिपी शेयर करने आए हैं। आप में से बहुत लोगों ने ये बनाया भी होगा, बट जिन्होंने नहीं बनाया होगा वो डेफिनेटली ट्राई करिएगा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी बनती है एंड झटपट बनने वाली है। पहले से प्रिपरेशन करके रखने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ इन्ग्रीडियंट्स अवेलेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बारीक रवा लिया है, आप देख सकते हो एकदम जीरो नंबर की सूजी ली हुई है सेमोलिना। अगर आपके पास जाड़ी वाली मोटी सेमोलिना या रवा या फिर सूजी जो भी है आप बोलते हो वो अवेलेबल हो तो इसको ग्राइंडर में डाल के पीस लीजिएगा, वो बारीक हो जाएगी। तो मैंने एक बाउल बड़ा लिया है क्योंकि जितना हमें क्वांटिटी बनाना है उसके हिसाब से लिया है। उसके बाद इसका मेन इंग्रेडिएंट्स होता है खट्टा चीज, तो खट्टे के लिए हमने यहाँ लिया है ये छास बटर मिल्क। तो छास में इसे हम भिगोएंगे, मैं पानी नहीं यूज कर रही हूँ इसलिए मैंने पूरा हाफ लीटर का लिया है छास का पैकेट। इसमें से मुझे जितना लगेगा मैं यूज कर लूंगी। अगर ये खत्म हो जाने के बाद हमें पानी लगता है तो ही हम पानी लेंगे, क्योंकि क्या होता है आपको भी पता होगा मुझे भी पता है कि रवा में क्षमता होती है पानी सोखने की, खींचने की, तो वो गाढ़ा हो जाता है। तो साथ ही में यहाँ पर हमने राई के दाने लिए हैं, मस्टर्ड सीड जिसे बोलते हैं, वो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। बट क्या करेंगे मैं आपको बताती हूँ, उसका फ्लेवर बहुत ऑसम लगता है इस चीज़ में। उसके बाद यहाँ पर बारीक रफली चॉप किए हुए हैं मैंने दो प्याज, तो आप जितना क्वांटिटी बना रहे हो उसके हिसाब से आप प्याज टमाटर ले सकते हो, जितना तीखा पसंद करते हो। मैंने 7 मिर्चियाँ ली है, हमारे घर में तीखा पसंद किया जाता है इसलिए, एंड मैं तीखे की शौकीन हूँ इसलिए मैंने तीखे के लिए 7 मिर्चियाँ ली है। 1 टमाटर लिया है जिसे हमने चॉप कर लिया है और ढेर सारा धनिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने एक बाउल ले लिया है उसमें मैं ये रवा डाल रही हूँ पूरा का पूरा, और इसमें मैं ये बटर मिल्क कट करके इसमें डाल रही हूँ। फिलहाल 1 वाटी, मतलब जितना मैंने रवा लिया है उतना ही मैं बटर मिल्क भी ले रही हूँ, छाछ ले रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप क्या करोगे, दही है, दही होगी तो आप दही डाल देना। तो ये पूरा डाल के हम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के लिए इसलिए छोड़ देंगे, अगर 5 मिनट नहीं तो एटलीस्ट 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, मिक्स करेंगे तो आप देखोगे पूरा गाढ़ा हो जाएगा, सोक कर लेगा। तो आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो गया। अब इस तरह से गाढ़ा तो फैलेगा नहीं, तो ये पूरा का पूरा इसने एक बाउल सोक कर लिया है। अब हम इसमें फिर से थोड़ा सा बटर मिल्क ऐड करेंगे अंदाजन के हिसाब से, तो ऑलमोस्ट मैं हाफ बाउल जितना फिर से डाल रही हूँ। पहले मिक्स कर लेंगे, देख लेंगे कंसिस्टेंसी। तो एक बाउल रवा में ऑलमोस्ट 1.5 बाउल जितना छास जाती है, और अगर आप दही वापर रहे हो तो दही और रवे का मिक्सचर इस तरह से रख दीजिए, वो थोड़ा टाइम सोख हो जाएगा, थोड़ा सा खटास बन जाएगा, उसके बाद आप पानी ऐड कर सकते हो। तो ये कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए, इससे ज़्यादा पतला मुझे नहीं करना है क्योंकि इसमें हम सारी सब्जियां अब ऐड करेंगे। तो ये हरा धनिया, टमाटर, मिर्ची, प्याज, ये मिर्ची मैंने बचा के रखी है क्योंकि मुझे मेरे बच्चों को खिलाना है, तो सबसे पहले थोड़ी सी कम मिर्ची उनको दूंगी, उसके बाद मेरे लिए मैं ये ऐड कर दूंगी। तो इसे हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम जानते हैं कि टमाटर, धनिया, प्याज इनका खुद का एक मॉइस्चर होता है, पानी होता है जो रिलीज हो जाता है, तो ये बैटर जो है वो लिक्विड ही हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार,
तो नमक की क्वांटिटी आप आपके हिसाब से डालिएगा। मैं मेरे जितना बैटर है उसके हिसाब से पहले एक चम्मच और ये हाफ चम्मच, टोटल 1.5 जितना चम्मच मैंने डाल लिया है। इसे मिक्स कर लेंगे और ध्यान रहे करने से पहले टेस्ट करना है। तो इसमें कोई सोडा नहीं, कोई इनो नहीं हमें डालना है। तो ये आप सूजी चीला बोल सकते हो, मैं सूजी चीला बोल रही हूँ, आप इसको क्या नाम देना चाहोगे हमें कमेंट में बताइएगा। तो ठीक है, यहाँ पर हमने तवा गरम करने रख दिया है और तवे पे मैं इस तरह से ऑयल डाल दूंगी। और तवा मेरा अच्छे से गरम हो गया है तो फ्लेम इसको लो कर देंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे इसमें ये। तो हर एक चिल्ला पर हम इस तरह से मस्टर्ड सीड्स डालेंगे। ये जैसे थोड़े से तड़कने लग जाएगी, आप देख रहे हो, इस पे हम फटाक से ये डाल देंगे और इसे अच्छे से फैला लेंगे। आपको जितना पतला मोटा रखना है आप रख सकते हो। और इसे तब तक पकने देना है जब तक ये ऊपर की परत इसकी ड्राई ना हो जाए। तो ज़्यादा बीच में मोटा नहीं होना चाहिए, अच्छे से फैला लेंगे और इस तरह से थोड़ा थोड़ा तेल ऊपर भी ड्रिजल कर देंगे। इसे ढक कर पकने देंगे ताकि ऊपर की जो लेयर है सूख जाए। तो ये देखिए, जो साइड में जो राई के दाने निकलते हैं वही मैंने इसे इस तरह से लगा दिए हैं। अब ऊपर का पूरा तरह से सूख गया है, हम इसे फ्लिप कर देंगे। देखिए वाओ, एकदम क्रंची। तो अच्छे से इस तरफ भी हम पकने देंगे और साइड में अगर आप चाहो तो थोड़ा सा तेल डाल सकते हो, ज्यादा नहीं, सिर्फ बूंद बूंद। और अब गैस की फ्लेम में हाई कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस साइड अच्छे से पका लिया है तो वो अंदर तक पक गया है। तो दूसरे तरफ भी हम फ्लिप करके देख लेते हैं। आप देख सकते हैं इस पे अच्छे से कलर आ गया है। बस अगर आप चाहो तो थोड़ा सा और कलर के लिए फ्लिप कर सकते हैं, मुझे थोड़ा सा और इससे कलर देना है। तो इस तरह से दबा दबा के हम पका लेंगे। तो अब मैं इसे, आप देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट से निकाल देंगे और यहाँ पर रख देंगे। सेम वे मैं दूसरा भी बना लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने बना लिए हैं, हमें जितना अभी खाना है उतना, और बाद में अगर हमें खाना होगा तो तब गरम गरम हम बना लेंगे। तो ये उसका नीचे का एरिया है, आप देख सकते हैं इसका कलर कितना प्रिटी दिख रहा है। प्याज टमाटर आपको दिख रहा होगा, धनिया से भरपूर, राई के दाने, और ये उसे नीचे की तरफ का। तो आप क्रिस्प करना चाहते हो क्रिस्पी रख सकते हो, इस तरह से डोसे की तरह खा सकते हो सॉस के साथ, चटनी के साथ, लेकिन ये इसी तरह से एकदम फुल है, भरपूर है। आप इसे डिनर में भी खा सकते हो, लंच में भी खा सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको ब्रेकफास्ट ये करना है या इवनिंग स्नैक्स, कोई भी टाइम पे आप ये इजीली खा सकते हो। तो आई होप आपको ये रेसिपी इंस्टेंट बनाने वाली पसंद आई होगी, डेफिनेटली ट्राई करिएगा, टिफिन में भी आप बच्चों को दे सकते हो। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।